हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वी विल डू चैप्टर सेकेंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड अबाउट यूजफुल बैक्टीरिया एंड टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट हार्मफुल बैक्टीरिया। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने समझा था यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में, और इस वीडियो में हम समझेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल ऑल्सो फॉर अस। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। सम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया आर। कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं बैक्टीरिया के जो नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ बैक्टीरिया कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बैक्टीरिया के कारण एनिमल्स में और प्लांट्स में डिजीज होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, लेप्रोसी, डिप्थीरिया एक्सेट्रा आर द डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, ये सारे के सारे डिसीज होते हैं जो किसके थ्रू हो रहे हैं, बैक्टीरिया के थ्रू हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज बैक्टीरिया कॉज स्पॉयलेज ऑफ फूड सच एज सोरिंग ऑफ मिल्क, putrefaction of meat and rotting of fruit and vegetables। बैक्टीरिया के कारण फूड जहरीला होता है, खतरनाक हो जाता है, खाने लायक नहीं होता, जैसे कि सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना, putrefaction of meat, मीट का सड़ना, and rotting of fruits and vegetable, फ्रूट और वेजिटेबल का सड़ना। थर्ड पॉइंट इज बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकी एंड क्लोस्ट्रीडियम वोटुलिनम कॉज्ड फूड पॉइजनिंग बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स इन द फूड। बैक्टीरिया, यहाँ पे दो बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं, स्टेफाइलोकोकी एंड क्लोस्ट्रीडियम वोटुलिनम। इनके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये फूड के अंदर जहर को प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज फंगी। फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट। जो फंगी होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। दे इंक्लूड मोल्ड, रस्ट एंड पफ बॉल्स। इनमें शामिल होता है मोल्ड्स, जो एक तरीके का फंगी ही है, रस्ट। आपने अपने घरों में या आसपास स्टील में या लोहे में जंग लगते हुए देखा होगा, ऑरेंज या रेड कलर सा जंग लग जाता है मॉइस्चर के कारण, तो उसे ही कहा जाता है रस्ट। अगर ये प्लांट में हो रहा है तो प्लांट में भी ये रेड या ऑरेंज कलर सा पत्तियों में या स्टेम में दाग धब्बे से दिखाई देते हैं, ये फंगी के कारण होते हैं। एंड पफ बॉल्स, जब फंगी स्फेरिकल शेप में फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसे कह देते हैं पफ बॉल्स। दे हैव सिमिलैरिटी विथ द प्लांट्स। जो फंगी होते हैं वो प्लांट के जैसे ही होते हैं या उनसे समानता रखते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। किसकी प्रेजेंस की वजह से? सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से। बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। लेकिन फंगी में प्लांट की तरह क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। Hence, they cannot prepare their own food. इसलिए जो फंगी होते हैं वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। Our next topic is fungi habitat. Fungi are found in all environments where suitable organic matter is present. फंगी होता है वो सभी प्रकार के environment में मिलता है जहाँ उन्हें organic matter आसानी से उपलब्ध हो जाए या प्रेजेंट हो, वहाँ ये फंगी पाए जाते हैं। दे जनरली ग्रो बेस्ट इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। जो फंगी होते हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ करते हैं? डार्क, अंधेरे में, वार्म, जहाँ थोड़ा गर्म जगह वहाँ, एंड मॉइस्ट प्लेस, और जहाँ पे नमी पाई जाती है, ऐसी जगह पर जो फंगी होते हैं वो बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। दे ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये ग्रो करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, और या फिर ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी फंगी होते हैं, वो ग्रो करते हैं।
अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंगी स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो.